ओके सो हाय, मैं हूँ आरजे रफल 94.3 बिग एफएम से और मेरे साथ हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैं आज पहली बार भाभी के साथ निकली हुई लखनऊ में करवा चौथ की कुछ स्पेशल तैयारियों के लिए। तो HSJ जो जूलर्स हैं उन्होंने बुलाया है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज उनका जो भी अरेंजमेंट है करवा चौथ को लेकर वो देखने जा रही हूँ। और हाँ, घर मेरा आधा सेट हो चुका है, जैसे कि थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा आप वहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही पर घर जो है सेट हो रहा है। आपको अच्छे से घुमाऊंगी, दिखाऊंगी, सब करूंगी, पर आज थोड़ा सा बाहर जाकर घूमा जाए, लखनऊ देखा जाए। जो भी मेरे मुंबई के व्यूअर्स है या कहीं के भी व्यूअर्स है जो कभी लखनऊ नहीं आ पाएंगे, उन्हें आज मैं दिखाऊंगी कि करवा चौथ की क्या तैयारियां यहाँ पर हो रही है। बहुत परेशान है। ओहो, चलो बाय बाय। तो अभी तो भाई भाभी है मेरे पास, मुझे हर जगह लेकर जाने वाली। शुरुआत हम लोग करेंगे मेहंदी से। हाँ। तो मुझे मेहंदी लगवाना था, करवा चौथ है कल, आज 23rd है। हाँ। सो मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं था, दिया गई तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल गई। मतलब पार्टनर तो मिल गया, मुझे मिल गई ये, इन्हें मिल गई मैं, हमें एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हम दोनों की ना काफ़ी सारी जो लाइक्स है ना वो मिलती है, बहुत सारी है ना। हाँ, तो ये हमारा पार्किंग एरिया गाइस, और एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली करवा चौथ की शॉपिंग के लिए या कामों के लिए फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, और लखनऊ में भी इस तरह से रहने आने के बाद भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। कितना समय लगेगा हमें यहाँ से? 10 to 12 मिनट। ओके, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 10 to 12 मिनट्स तो काफ़ी पास हो गया। तो काफी शानदार अरेंजमेंट हुई है। कौन सा फ्लोर? फर्स्ट पे गोल्ड, सेकंड पे डायमंड। ओके, तो काफी अच्छी अरेंजमेंट हो रखी है यहाँ पर, जैसे कि आपने डेकोरेशन देखा। और ये लिफ्ट भी कितनी कमाल की है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो अभी मेहंदी लगाने में काफ़ी समय है। इनका नंबर है 82 और अभी कुछ 49 नंबर चल रहा है, तो आराम से लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर आई है। तो तब तक हम लोग चाट खा लेंगे। इन्होंने चाट का यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है कि जो औरतें वेट करेंगी उन्हें हम चाट खिलाएंगे। तो हम लोग चाट खाएँगे और मैं मेहंदी नहीं लगवाऊँगी। रीज़न आप सभी को पता होगा, मतलब जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ पर करवा चौथ नहीं होता तो मैं लगवाती भी नहीं हूँ। बाद में भाभी से लगवा लूँगी क्योंकि भाभी बहुत अच्छी मेहंदी निकालती है। तो भाभी आपको मेरे हाथ में लगानी है। हाँ हाँ, चलो अभी चाट खाते हैं। तो पहले पानी भैया, अरे बेटा ये मेरे इसको पहले दे तो बच्चे को। पूरी खा ली है बस, और नहीं जा रहा खाकर, क्योंकि हम लोग लंच करके ही निकले थे। अभी आई थिंक डोसा है, पापड़ी चाट है, आलू चाट है। एक आदमी का एक चम्मच। तो यहाँ पर जो चाट खिलाई जा रही है ना, बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो इतनी सारी औरतें आ गई है तो कुछ भी खिलाएंगे, नई क्वालिटी चाट की बहुत बढ़िया वाली है। ये देखिए, मुझे इस तरह से मिट्टी के बर्तन में ये चाट मिला है, और ये रही मेरी इस साल की, नहीं बोल सकती, पहले भी खाई हुई इस साल में, लखनऊ की पहली चाट। खाकर बताती, गरम गरम देसी घी से ये आलू टिक्की निकली है। आलू टिक्की बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। हम लोग पता है खाने का वो इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि कल से बोल रही है कि आलू टिक्की खिलाओ। और आज हम लोग आके ना मतलब हम लोग बस इसलिए इसे नहीं लेकर आए कि भाई बहुत भीड़ होगी और वो परेशान हो जाएगी, है ना। और ऊपर से मेहंदी लगवाना है तो एक मतलब मैं बिजी, ये बिजी हो जाएंगे, मैं नहीं लाए। पर अगर पता होता ना ऐसा अरेंजमेंट पक्का लेकर आते। अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है हमें कुछ लेना पड़ेगा। चिल्ला चिल्ला के भाभी बोल रहे मारे आपने कुछ दिया नहीं, और सोने चांदी डायमंड की चीज़ों के अलावा यहाँ से और क्या लेंगे, है ना। डन गाइस, डन। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और नहीं खाकर होगा, वरना घर नहीं जा पाएंगे हम लोग। यही सोनार की दुकान में सो रहे हैं हम लोग। चलो अभी बहुत टाइम है, अभी काफ़ी ज़्यादा समय है, अभी भी 40 की ही नंबर चल रही है और हमारा नंबर है 82 ना। ओ गॉड, हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विंडो शॉपिंग करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, चलो आप आपकी सिस्टर का हुआ है ना शादी, हाँ कुछ देख लेते हैं उसी बाद। उसके बाद जो हमको हकलेंगे ये लोग बोलेंगे निकलो। कहेंगे ऐसा है मेहंदी वेहंदी बाद में लगाना घर। वही ना, अच्छा हुआ हम दोनों आए। अगर हम लोग दोनों को लेकर आते हैं, आपके भैया और मेरे, लगती ये श्योर है। और सेकेंड थिंग कि हम लोग जो चाट पार्टी की है ना वो भी ना होती, क्योंकि राज भैया को करने ना देते। और हम लोग ऐसे आते और ऐसे ही चले जाते, जैसे कि अभी हाल हो रहा है। देखते वेट कर रहे हैं। मैं तो भाभी को बोल भी रही हूँ कि भाभी आप सो जाओ, जब आपका नंबर आएगा तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट को बोल दूंगी, हाथ अभी भी फ्री है लगा दो। तब तो ऐसे नहीं, मैं सीधा कर दूंगी ना, मैं ऐसे पकड़े रहूंगी, आप सोती रहना। तो भाभी की नजरें इधर उधर जा रही है, मैंने बोल दिया इधर उधर देखो मत, सो जाओ, क्योंकि फिर इनका मन लग जाएगा कि मैं कौन सा नेकलेस ले लूँ, कौन सी चीज़ें ले लूँ, है इसलिए मैंने बोल दिया है। मैंने बोल दिया इधर उधर देखो मत, सो जाओ आप। नहीं तो पता चले यहाँ पर हम लोग को एक बैंक को भी कांटेक्ट करना पड़ जाएगा, भैया लोन मिलेगा क्या। भाभी ने एक बहुत ही फाड़ू आइडिया। हम लोग जितना वेट कर रहे हैं ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी चल के कुछ लोगों को लगा देती हूँ, और वो लोग चले जाएंगे तो मैं खुद लगवा लूँगी। है ना, फाड़ू आइडिया। कर सकते भाभी, ये कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरे हाथ की चाहिए आड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो चिल कर रहे हैं हम लोग, चिल। एस नहीं, मैं नाम ही क्यों कंफ्यूज हो जाती है, HSJ। यहाँ पर हम लोग चिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत अभी भी समय है हमारा नंबर आने में। सब अभी एक बार देख कर आ जाओ, किससे पूछूं, वो जो एक है ना पिंक, यहाँ पर सब लोगों ने पिंक ही पहना है, सबने पिंक पहना है। ओके, सो इन भाभी को भेजा है मैंने देखने के लिए, वरना पता चले हम लोग यहीं पर ऐसे रह गए और पीछे के लोग आगे से मेहंदी निकाल कर चले गए। जितने शॉर्ट्स बना सकते थे, जितने रील्स बना सकते थे, जितनी चीज़ें कर सकते सब कुछ कर चुके, पानी भी पी चुके। अभी कॉफ़ी भी बोल दिया है कि भाई नींद ना आ जाए कॉफ़ी भी दे दो, और बस इंतज़ार। अभी चल रहा है 53 नंबर और हमारा कौन सा है 82। गाइस फाइनली उन्होंने हमारी बात सुन ली और कॉफ़ी भिजवा दी है, एंड इसकी बहुत ज़रूरत थी, वरना पता चले हम लोग यहाँ पर अपना बिस्तरा लगा कर सो रहे हैं। नींद तो बहुत नींद हो रही। खुशी की बात, नंबर चल रहा है 64, हमारा 82 है, अभी भी टाइम है। अच्छा आपने मेरा आउटफिट नहीं देखा ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत समय है, आपको आउटफिट दिखाती हूँ, सब दिखाती। मैं ऐसे पिक लेती हूँ, भाभी ने तो ऐसे डेंजर शॉट्स दिए ना, कॉफ़ी पी के मैंने भैया को भेज भी दी, अभी वो देखेंगे। यहाँ पर ना बिग एफएम की आरजे भी आई है राफल, और उन्होंने हमारे साथ एक छोटा सा इंटरव्यू भी वो किया है। अगर आता है आपको सुनाई एफएम पर हमारी आवाज़ तो बताइएगा। मैं अभी पूछती हूँ कि कब आने वाला, मैंने ये पूछा ही नहीं। हाँ ओके, सो हाय, मैं हूँ आरजे रफल 94.3 बिग एफएम से, और मेरे साथ किरण। तो किरण ने लाइफस्टाइल की किरणें बिखेर रखी अपने चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत ही क्यूट लेडी है, बहुत ही पढ़ना चाहिए। थैंक यू। ओके, तो समय हो रहा है 6 और हम लोग आए थे 3:45 बजे। तो भाभी थक हार कर खुद ही अभी अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही है अपने ही हाथों से, और अब राइट हैंड से लेफ्ट में लगा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मेहंदी आर्टिस्ट है ना, उनसे काफ़ी अच्छा भाभी लगा ले रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम बता दो मैं कितना हो रहा है। 7 बज रहे हैं। हमारा नंबर दूर दूर तक आने का कोई मतलब चांस दिख नहीं रहा था, तो भाभी ने देखिए खुद ही लगा ली। दिखा दो। वाह, मुझे तो लग रहा है ना वो जो मेहंदी आर्टिस्ट है उनसे कई गुना अच्छी। ये नहीं है ना ग्राउंड, नहीं, बहुत अच्छी लगाई है भाभी ने। और अभी भी हमको 2 घंटे लग जाते हैं हमारा नंबर आने में, क्योंकि अभी भी 65 चल रहा है और हमारा नंबर 82। फिर बहुत टाइम लग जाता, तो हम लोगों ने कैब बुक कर ली है। और कल घर में पूजा है तो तैयारी भी करनी है, और हम लोग ऑलरेडी 3 घंटे वेट करके थक चुके हैं। तो सोचा कि नहीं, एक हाथ में भाभी ने लगा लिया, एक हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ देखो ना, इतना टाइम हमारा गया, एंड में आप ही ने अपने हाथों से लगाई। इतना हम लोग खुशी से आए थे। थके हारे घर को लौटे। मेहनत भी खुद ही किया हम लोगों ने। सबसे बड़ी बात, इन्होंने मैंने बैठने की मेहनत की, इन्होंने लगाने की मेहनत की, और एक रात में मुझे शायद करना पड़ जाए मेहनत। भैया को मैं करवाऊँ, भैया अपना नाम लिख दो इस पर। कुछ तो करेंगे, पर दोनों हाथ एक में तो लग गई है, दूसरे हाथ में भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर से बोलो। गाइस देखिए, ऑफिस सेटअप हो गया है और महफिल भी यहाँ पर रंग ला रही है, रंग ला रही है। किटी टेबल इधर लगाया है और रेस्ट के लिए बेड लग जाएगा। बेड नहीं लगाया, बट क्यों बोला, बेड को तोड़ दिया हमारे मुंबई वालों ने। तो वो हमारी मिस्टेक नहीं है ना, वो मुंबई वालों की है। उसने फोन किया अपने बॉस को, तो बॉस ने बोला था एक्सपर्ट था इंटरव्यू में। अच्छा, ये भी होता है। और संडे कल कोई नहीं आया, देख लेना, कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं आएगा। अग्रवाल से गाइस बिल्कुल बुक मत करिएगा, बहुत हमारा एक्सपीरियंस वर्स्ट हो गया है। एक तो बेड ही तोड़ दिया है, ऊपर से कल वो लोग एक्सपर्ट भेजेंगे। मैं जा रही हूँ चेंज करने, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए हमारे जो बॉक्सेस खाली हो रहे हैं ना, यहाँ पर जमा कर रहे हैं। फिर वो जो क्लीनिंग वाले आते हैं ना, वो यहाँ से बॉक्सेस पूरा बांध कर लेकर जाते हैं, आप देख रहे हैं ना बैकग्राउंड में, और फिर वो लोग बेच देते हैं मतलब। और मेरा लिविंग रूम को तो मैंने थोड़ा सा दिखाया ही था ना, थोड़ा सा ऐसा मतलब सेट होने लग गया है। और अनिका का भी जो कमरा है, काफ़ी हद तक मतलब सेट वगैरह हो गया है, उसने काफ़ी अच्छे से अपने कमरे को वो भी कर लिया है। और मेरा ये जो बेडरूम है, ये अभी आज हो जाता अगर मैं नहीं जाती तो, लाइट भी नहीं चालू हो रही है, बट वो भी ज़रूरी था, उनके साथ जाना भी ज़रूरी था। ये देखिए, ये सामान बस मुझे लगाना है और थोड़ा बहुत काम होना बाकी है। सो चलिए फिर मैं अभी आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग के साथ। कल हमारे घर में इस वाले 2 BHK में पूजा है, तो उसकी तैयारी करनी है। पंडित जी सब लेकर आएंगे, मुझे सिर्फ फल लेने हैं। सुबह मैं गेट से बाहर फल मिलते वहाँ से ले लूँगी, और मिष्ठान लेना है मतलब मिठाई लेनी है, वो भी मैं सुबह ही लूँगी। और दूध दही, मेरे पास सिर्फ 4 चीज़ें पंडित जी ने दी है, क्योंकि उन्हें पता था कि यार कैसे मैनेज होगा, इसलिए वो बोले मैं सब लेकर आऊँगा। और कुछ ऐसा मेरा अभी कमरा दिख रहा है। डोंट जज, ठीक है, ये फाइनल लुक नहीं है। डोंट जज माय कर्टन्स, क्योंकि ये फाइनल लुक नहीं है, बार बार बोलना पड़ता है, वरना पहले से ही सब लोग बोलना चालू करते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा है। सुपर टायर्ड, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपकी अच्छी रहे करवा चौथ। और हाँ, मैं एफएम पर आने वाली हूँ 98.3 बिग एफएम परसों मंडे को। अब मैं उनसे टाइम पूछना भूल गई मैं टाइम ही नहीं पूछा, तो मैं टाइम अगर पता कर पाती हूँ तो आपको मैं अपडेट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर, ठीक है। और हाँ, अगर आप मुझे सुनते हो एफएम पर तो लेट मी नो, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।